सर आपका नाम? मंगल पटेल सर, आज ये स्नोफॉल हुई है फिर से, तो क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से, क्या अवेयरनेस करना चाहते हैं आप लोगों को? स्नोइंग टाइम जब स्नो पड़ता होगा तो इसमें स्लिपरी रोड बनता है, तो मेरा लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गाड़ी को अच्छे से चलाइए, अगर एक गैप आप डिस्टेंस रखिए। आप देखते हैं कि जो ही आपकी गाड़ियाँ नजदीक नजदीक होती है, कोई गैप नहीं होती है, एटलीस्ट 11 फीट की गैप होती है बिटवीन व्हीकल टू व्हीकल। तो ये स्लिपरी रोड जो है स्नो की वजह से हमें गाड़ी की स्लिप होती है और दूसरी गाड़ी के साथ स्ट्राइक होती है, उसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, उसमें पब्लिक इनकन्वीनियंस होती है। वो इस तरह से कि जो गाड़ी टक्कर में आपस में टकराती है, जो गाड़ियाँ टकराती है आपस में, तो उससे ट्रैफिक जाम होता है और पब्लिक को सफ़र करना पड़ता है। ये एक रिक्वेस्ट है लोगों के को कि आप अपनी गाड़ियों को एक डिस्टेंस रख के चलाइए और स्पीड बिल्कुल ही कम रखिए इस स्लिपरी रोड पे, मतलब जो भी बर्फ़ वाला, जहाँ पे भी बर्फ़ आपको मिलेगा, जहाँ से भी आप गुजरे होंगे, तो वहाँ पे आप बर्फीली रोड पे चलाओगे तो आप अपनी गाड़ियों को हमेशा से एक दूसरे से डिस्टेंस रखो, नियर अबाउट 10 फीट की डिस्टेंस रखो कम से कम। तो दूसरा ये कि स्पीड कम रखो आप, आहिस्ता से चलाइए और वाइपर्स का बिल्कुल ही ख्याल रखें, वाइपर ठीक से चलने चाहिए जिससे आपका रोड आपको आगे दिखेगा, वे दिखेगा कि क्लियर है कैसा है। तीसरा आपको ये है कि जो आपके टायर्स का चेक करना है, टायर्स को देखिए आप, जो घिसे हुए टायर होंगे, तो अगर आप वही गाड़ी चलाओगे तो नेचुरल सी बात है कि वो उसमें कोई ग्रिप नहीं होगा, तो उसकी वजह से आपको गाड़ी की स्लिप हो जाएगी, जिसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी अनफिट है, नॉट टू ड्राइव इट ऑन रोड, जिसकी वजह से पब्लिक को सफर करना पड़े। ये जो सर टू व्हीलर्स है, बाइक या स्कूटी, इनको इनको क्या कहना चाहते हो आप? ये आज बाइक निकाल सकते हैं, स्कूटी आप इस बर्फ में? टू व्हीलर्स में तो आमतौर से ये इम्बेलेंस होते हैं, जो ही बर्फ होता है, बर्फ पे ये चल नहीं पाते हैं, तो उनको बेस्ट ये ऑप्शन है कि आप पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको आप ऑफ कीजिए और अपने टू व्हीलर को बर्फ के मौसम में बांधे रखिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी जिंदगी है। अगर आपकी जिंदगी सेफ है तो आप सब कुछ सेफ है, अगर आपकी जिंदगी सेफ नहीं है तो उससे क्या कोई मतलब ही नहीं है कि आपका टू व्हीलर बना है। इसलिए सबसे बेस्ट ये है जो है बर्फीला मौसम जब स्लोई होती जा रही है या होते होगी, तो उस वक्त आपको अपना जो टू व्हीलर है वो घर पे ही रखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा ये आप ज़्यादा ऑप्ट कीजिए, उसी को अपनाइए। और पब्लिक को भी मैं अपने तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही ज़्यादा अपनाइए, उसकी वजह से आप अपने डेस्टिनेशन पे आराम से पहुँचाओगे ऑन टाइम। थैंक यू सर।